पूरा घर छान मारा, टिकट अंदर नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो कल्लू भाई ने तो कहा था कि पोपटलाल की टिकट जेब से निकाल के उसने घर में ही रखी है। हाँ। कल्लू हमको लल्लू तो नहीं बना रहे? ए तश्वीश अक्कल, मेरे बापू के बारे में कुछ मत बोलना। और शांत रहो। क्या हुआ बेटा, ये सब लोग कौन है? नमस्ते जी। वो हमें कल्लू जी ने लॉटरी का टिकट लेने भेजा है। लॉटरी का टिकट? जी, लॉटरी का टिकट। असल में हमारे मित्र हैं पोपटलाल जी, इनका लॉटरी का टिकट है जो गलती से इनकी शर्ट की जेब में रह गया, तो वो शर्ट जो है धुलने के लिए भेजी थी कल्लू जी के पास। हाँ। तो हम लोग आए थे कि वो लॉटरी का टिकट ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ बच्चों ने बताया कि कल्लू धोबी जी धोबी घाट पे गए, तो हम धोबी घाट गए उनसे मिलने। हाँ, गए हम लोग धोबी घाट भी गए। तो उन्होंने जो है वो हमें कहा कि आप घर चले जाइए, क्योंकि वो लॉटरी का टिकट उन्होंने निकाल के घर पे ही रख दिया। घर पे रख दिए, तो हम घर आ गए वापस। मैंने कहा हम ले लेते हैं यहाँ से, तो वो हम वो ही लॉटरी का टिकट है ढूंढ रहे थे। एक्चुअली क्या हुआ भाभी जी, माफ कीजिए, देखिए आप घर पे थी नहीं, बच्चों ने बोला कि आप मंदिर गई है और पता नहीं आप कब आएंगी, इसलिए हम दोनों आपके घर में गए और वो टिकट ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन घर में हमें कहीं पर भी टिकट नहीं मिले भाभी जी। पर जाजी तुम्हारा माइत आए, टिकट कुटे आए? ये काम बोल रहे हो आप? पर जाजी हम बोलत रही, कोनो खबर है टिकट कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, वो लॉटरी का टिकट मेरे हाथ में आया तो था। अच्छा, लेकिन वो तो मैंने रामचरण को दे दिया। रामचरण? कौन रामचरण? रामचरण रद्दी वाला। अरे आपने मेरा एक आपने मेरा टिकट रद्दी वाले को दे दिया? दरअसल लल्लू और बल्लू के बापू जब सारे कपड़े लेकर धोबीगढ़ गए थे, तब मैं झाड़ू लगा रही थी, तभी उसी वक्त मेरे हाथ में वो टिकट लगा। मैंने सोचा ये कोई काम का नहीं है, मैं उठा के रद्दी में डाल दी। जब रामचरण रद्दी लेने आया, मैं उके हाथ सारा रद्दी दे दी, उके साथ ही टिकट चला। ये भगवान। ओ यारो, अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है, वो अभी तक टिकट खुला नहीं है और रद्दी वाला अपने साथ लेके गया है। ओ, हम लोग रद्दी वाले के पास जाते हैं, हो सकता है टिकट मिल जाए। सोडी बिल्कुल सही कह रहा था, हम फटाफट वो चरण राम रद्दी वाले के पास चलते हैं। रामचरण। हाँ रामचरण, भाभी जी आप उनका पता हमें दे सकती हैं? बड़ी सब्जी मार्केट के पीछे जो रोड है ना, वहीं पे उसकी दुकान है, दुकान के ऊपर उसके नाम का बोर्ड भी है। हाँ। चलो चलो भाई, रामचरण रद्दी वाले, रामचरण रद्दी वाले। भगवान करे चरण राम रद्दी वाले के पास मेरी टिकट मिल जाए। अरे चरण राम नहीं पोपटलाल, रामचरण। अरे पोपटलाल टेंशन मत लो, तुम्हारी टिकट मिल जाएगी। हाँ सुनिए बोल। रोशन किधर पहुँचे? जल्दी जल्दी आओ नहीं बाबा, इधर हम सब आप लोगों का वेट कर रहे हैं। ओ सुनिए, वो टिकट तो अभी तक नहीं मिला है। हाय, हाय क्या हुआ? दरअसल जब हम लोग कल्लू धोबी के घर गए तो पता चला उसकी पत्नी ने गलती से वो टिकट रद्दी वाले को दे दिया, तो भी हम लोग टिकट ढूंढने रद्दी वाले के पास से आ रहे हैं। पढ़ाई जी है बट सू चाली रहे हो छे। ओ सुनिए सब ठीक हो जाएगा, चल मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, चंगा लव यू। लव यू। अरे इधर इधर। भाई साहब, भाई साहब आप रामचरण रद्दी वाले हैं? जी हाँ, रामचरण रद्दी वाला मैं हूँ, कहिए। अभी थोड़ी देर पहले कल्लू धोबी के यहाँ से आप ही रद्दी लेकर आए थे? जी हाँ, मैं ही लाया था। जरा हम वो रद्दी देख सकते हैं? क्यों? देखिए रामचरण जी, उन रद्दी के कागजों में हमारा एक बहुत जरूरी कागज रह गया है, इसलिए। कैसा जरूरी कागज? वो हम अभी आपको नहीं बता सकते, मिलने के बाद बताएंगे। मैं नहीं, सॉरी, वो रद्दी देखने को नहीं मिलेगी। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए प्लीज। तो फिर आप ये बताइए कि आपको रद्दी क्यों देखनी है? बताना पड़ेगा पोपटलाल, लॉटरी के टिकट के बारे में बताना पड़ेगा, वरना देखने नहीं देगा रद्दी। दरअसल उस रद्दी में मेरी एक लॉटरी की टिकट आ गई है, वो चेक करने के लिए रद्दी देखती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है, तो अभी प्लीज जरा रद्दी दिखाइए हमें। अब क्या टाइम पास कर रहे हैं भाई, हम आपसे कोई आपके सोने चांदी के झगड़ा तो नहीं मांग रहे देखने के लिए, एक रद्दी तो मांग रहे, दिखाओ ना। ओ भाई साहब, ये रद्दी आपके लिए होगी, हमारे लिए सोना चांदी से कम नहीं है। जाइए आप लोग। अरे नहीं, दिखाएंगे, दिखाएंगे। तुम भाई आज बिल्कुल भाई, जगह से पता बदलना चाहिए।
मैं इनकी तरफ से, ये मेरे परम मित्र हैं, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। असल में क्या है भाई कि हम सुबह से लॉटरी का टिकट ढूंढ रहे हैं, भाग दौड़ बहुत कर रहे हैं, इसलिए थोड़े से परेशान है, इसलिए इनको गुस्सा आ गया है। जरा दिखा दीजिए प्लीज। हाँ, एक तो खुद लापरवाही करते हैं और उल्टा हम पर गुस्सा कर रहे हैं। उनको अपना लॉटरी का टिकट संभाल के रखना चाहिए था ना। नहीं, लॉटरी का टिकट उनका नहीं है, मेरा है। हाँ भाई, अरे तो फिर वो गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे अभी बताया ना आपको कि वो क्यों गुस्सा हो गए। आपको सॉरी भी बोला। अभी जरा प्लीज हमें रद्दी चेक करने दीजिए ना। हाँ प्लीज। हाँ ठीक है। अरे साहब, जो कल्लू के यहाँ से हम रद्दी लाए थे वो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले भेज दी। किसको भेजे? सिंचना वाले को। अब ये नहीं मुसीबत, कौन सा सिंचने वाले को? कौन से सिंह चने वाले को? अब हम कहाँ ढूंढेंगे उस सिंह चने वाले को? अरे साहब, वो यहाँ से आगे जो परिमल गार्डन है वो उसी के बाहर तर। ये पोपटलाल का टिकट ने घुमा के रख दिया सबको। और नहीं तो क्या, सुबह से बाहर घूम ही रहे। सही बात है, मैंने तो सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। आखिर आप सुबह से कुछ नहीं खा पाए उसकी असली वजह अगर कोई है तो वो ये भीड़ है। ये पोपटलाल, ये तुम्हारे दोष की टोपली मेरे सर पे मत डालो। हाँ, ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अरे यार तुम लोग शांति रखो ना भाई, तुम क्या फिर से शुरू हो गए भाई? अगर मुझे मेरी लॉटरी की टिकट नहीं मिली ना भिड़े, तो तू मुझे 1 करोड़ रुपए देगा, और चाहिए तो उसमें से वो तेरे 4,050 रुपए काट लेना। कितना होता है? 99,95,950 रुपए। हाँ बराबर है। चेक में देगा कि कैश में? कुरियर कर दूं? कुरियर? मजाक नहीं है भिड़े, शुरुआत किसने की मजाक की? 1 करोड़ रुपया चाहिए। अरे पोपटलाल, तुम अभी टिकट का टेंशन मत लो, तुम्हारा टिकट वो सिंह चने वाले के पास मिल जाएगा। अरे सॉरी, जल्दी चला चल। हाँ ये देखो, अभी पहुंचाता हूँ फटाफट। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। एक मिनट रुको भाई। यहाँ तो कोई सिंह चने वाला नहीं है। ये परिमल गार्डन नहीं है ना कि कोई दूसरा गार्डन है? अरे नहीं नहीं, बोर्ड देख भाई, परिमल गार्डन ही है। तो फिर वो सिंह चने वाला किधर है? अरे मुझे क्या पता भाई, मैं थोड़ी रोज रोज यहाँ पे आता हूँ। इस गोले वाले से पूछते हैं ना, इसे पता होगा। चलो भाई साहब, यहाँ पे एक सिंह चने वाला होता है ना? हाँ, मनु सिंह चना वाला ही बाजू में खड़ा रहता है। तो कहाँ है वो, आज आया नहीं है? आजकल उसके आने जाने का टाइमिंग का कुछ पता नहीं, कभी भी आता है और कभी भी जाता है। अब क्या करें? अगर बहुत जरूरी काम है तो आप उसके घर चले जाइए, यहीं बाजू में गणेश गली में रहता है। अच्छा, हाँ ये अच्छा रहेगा, हम लोग उसके घर पे जाके आते। हाँ लेकिन अगर हम उसके घर पे गए और वो यहाँ पे आ गया तो? नहीं नहीं, बड़े की बात सही है, तो एक काम करते हैं, सबको जाने की जरूरत नहीं है। जेठल तुम सोड़ियो आइए, तुम तीनों जाओ, हम लोग यहाँ खड़े रहते। हाँ मेहता साहब सही कह रहे हैं। चलो सोड़ी चलते। एक मिनट अय्यर भाई, एक मिनट। मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब, मैं और सोडी जाके आते हैं, अय्यर भाई की क्या जरूरत है? जेठालाल मैं आएगा, उसमें तुमको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है अय्यर भाई, लेकिन हम तीन हो जाएंगे ना तो फिर तीन तिगड़ा काम बिगड़ा होगा। मैं साइंटिस्ट हूँ साइंटिस्ट, मैं ये तीन तिगड़ा बिगड़ा ये काम वाम नहीं बिगड़ना, ये मैं कुछ नहीं मानता हूँ। अरे यार ये, हाँ अगर तुम मानते हो तो फिर तुम मत आओ। अरे मेहता साहब ने सबसे पहले मेरा नाम लिया, उसके बाद सोढ़ी का लिया, और तिगड़े आप है, तीसरा आपका लिया लास्ट में। अभी कुछ भी बोलो, मैं तो जाएगा। अरे मेहता साहब समझाओ यार। ठीक है ना जेठलाल, चलने दो ना, पास में ही है, 2 मिनट का काम है। अय्यर भाई ना आजकल बहुत जिद्दी हो गए। जिद्दी क्या? क्या जिद्दी? क्या जिद्दी क्या बोला? अरे चलो ना भाई, अभी बैठो ना, जब फटाफट थोड़ा। अरे पीछे है ना जगह? अरे पास में ही तो जाना है, चलो यार। जाओ जाओ भाई, डिस्कशन क्या करो? ये देखो ये इधर ही खड़ा ना है। भगवान करे वो मन्नू सिंह चने वाला मिल जाए। मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ बोलो माधवी। हाँ कहाँ है आप? हम वो मन्नू सिंह चने वाले का वेट कर रहे हैं। अया, मतलब लॉटरी का टिकट मिल गया? नहीं मिली। आओ तो लॉटरी का टिकट ढूंढिए ना, अब सिंह चने वाले का क्यों वेट कर रहे हो? वो हंस को भूख लगी होगी। मेरे भाई प्लीज, आप हंस को स्ट्रिक्टली बोल दीजिए, पहले टिकट फिर खाना पीना। नहीं नहीं कोमल भाभी, हाथी भाई को कुछ नहीं खाना है।
इसमें बीच में मेरी बात कहाँ से आई? नहीं, वो उमल भाभी को लगा कि आपको सिंह चने खाने, इसलिए हम लोग रुके हैं यहाँ पे। हाँ, तो हाथी भाई को कुछ नहीं खाना है कोमल भाभी, दरअसल वो लॉटरी की टिकट जो है वो मन्नू जो है ना, वो सिंह चने वाला, उसके पास है, तो उसके लिए उसका वेट कर रहे हैं। ओ अच्छा। अरे काय गोंधड़े, पहले कह रहे थे कल्लू धोबी के पास टिकट है, फिर कहा रत्ती वाले के पास है, और अभी बोल रहे हो सिंह चने वाले के पास टिकट है। नक्की किसके पास टिकट है? हम लोग रत्ती वाले के पास गए थे ना, तो उसने बोला कि उसने वो टिकट वो चने सिंह वाले को दे दी है, तो अभी उसको ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ पे आ गए। माधवी अभी मेरी बात सुनो, तुम लोग बार बार फोन मत करना, जैसे ही पता चलता है मैं सामने से फोन करूंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ। क्या जनरल, क्या बदला तुम? मैं बहुत जिद करता हूँ, क्या जिद किया मैंने? अरे मैंने इतने बार बोला भाई तीन तिकड़ा काम बिगड़ा होगा, आप मत आओ, फिर भी धरा रह पाए ना, आप नहीं आते तो क्या घाटा मोड़ा हो जाता। अरे मैं कुछ नहीं बोला, मैं ये बोला तुम वो काटा पड़ा कुछ बोला ना, वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। हाँ तो आप अभी क्या बोले अपनी भाषा में, मेरी समझ में भी नहीं आया। हिन्नड़ फुन्नड़ ने क्या क्या बोल दिया, तुमने अच्छा नहीं लगा तो ऐसा करने का, अरे अभी गिर पड़ता मैं। अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने तो उल्टा आपका हाथ पकड़ा, छोड़ी ने अचानक टर्न मारा, उसमें मेरा भी बैलेंस गया। मैंने कुछ किया होता तो अभी आप इधर बैठे नहीं होते, कब के गिर चुके होते। अरे भाई साहब, ये मन्नू सिंह चना वाला कह रहे थे पता है? हाँ, वो पानी का पाइप लटका रहा ना सर, वो अलग है। अच्छा अच्छा। अरे यारो, इतने तो ताला लगे। बस पड़ गई कलेजे में ठंडक, हाँ करवा दिया ना तीन तिकड़ा काम बिगड़ा। अरे क्या 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 है सब आपकी वजह से हुआ है यार भाई? जनरल मेरे को कुछ भी मत बोलो, ये मेरा वजह से नहीं हुआ है, ये पोपटलाल की वजह से हुआ है। पोपटलाल की वजह से? हाँ, अरे उसी के नसीब पे ताला लगा हुआ है। अभी देखो ना, जिधर भी लॉटरी का टिकट ढूंढने जाते हैं, लॉटरी का टिकट पहले ही वहां से निकल जाता है। कुछ भी बोल रहे, अभी छोटी क्या करे? भाई साहब मनु पता किधर गया? ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ देर पहले ना वो यहाँ से निकला है। एक काम करते हैं, पार्क में वापस जाते हैं, जहाँ भी गया होगा पार्क में तो आएगा क्या? हाँ चल 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 चल। बैठो बैठो बैठो, जल्दी चले। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा, अभी तक मन्नू नहीं आया। ये तीनों भी तो नहीं आए अभी तक, पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा, उनको मन्नू मिला होगा या नहीं, लॉटरी का टिकट हाथ लगा होगा कि नहीं। पोपटलाल टेंशन मत लो, वो लोग आएंगे तो सब पता चल जाएगा। हाँ सब बढ़िया होगा भाई पोपटलाल, वो लोग जल्दी आएंगे और साथ में लॉटरी का टिकट भी लेके आएंगे। बी पॉजिटिव। क्या हुआ भाई, मन्नू मिला? अरे कहाँ से मिलेगा भाई, बोला था ना हो गया तीन तिगड़ा काम बिगड़ा, उसके घर पर ताला था, ताला। ओ जनरल तुम कहना क्या चाहते हो, अगर मैं नहीं आता तो उसका घर खुला होता? हाँ? है? अरे क्या कुछ भी बोलते, अभी ये सब बहसबाजी छोड़ो ना भाई, अभी ये सोचो कि आगे क्या कर रहा है। ए भगवान, कहीं वो भी गांव तो नहीं चला गया? ओ पोपट टेंशन ना ले, वो अभी यहीं पे आ रहा होगा। अरे भाई तो इतना यकीन के साथ कैसे कह सकता है? अरे पोपटलाल, हमने वहाँ पर एक आदमी को पूछा, उसने कहा कि थोड़ी देर पहले ही मनु यहाँ से निकल गया है, अभी हो सकता है कि वो यहाँ परिमल गार्डन ही आ रहा हो। अरे लेकिन हम भी तो वहीं से इधर आए ना, लेकिन हमने तो रास्ते में उसको कहीं नहीं देखा। हो सकता है वो अपने ठेले के टायर में हवा भरवाने गया हो। आ जाएगा अभी। ठीक है फिर हम लोग यही इंतजार करते हैं, हमारी उम्मीदों का तो सारा दारोमदार उन रद्दी के कागजों में, जो मन्नू के आने तक मिल नहीं सकता, तो इंतजार करते हैं। सही बात है पोपटलाल, भगवान ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो टिकट भी मिल जाएगा। हाँ हिम्मत रखो पोपटलाल, आ जाएगा भाई, आ जाएगा। ये तो बच्चा है, मनु बच्चा है। ओ पिड़ू, ओ हमें दूर से दिख रहा है इसलिए बच्चा लग रहा है, पास आएगा तो देखना बड़ा ही होगा। अरे ये कोई आसमान में उड़ता हुआ प्लेन थोड़ी है, तो आसमान में इसलिए इतना छोटा लग रहा है, ऐसे नजदीक से देखेंगे तो देखना बहुत बड़ा होगा। क्या बोल रहा है भाई सोड़ी तू, दूर से भी बच्चे बूढ़े जवान में फर्क तो नजर आता ही है ना भाई। पिड़ू मजाक कर रहा हूँ यार।
वो मजाक कर रहा है। ओ अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा अच्छा, क्या चल रहा है भाई? यहाँ पे इतना टेंशन है, कोई मजाक कर रहा है, कोई हंस रहा है। अरे पोपटलाल, तुम अगर गाना गा सकते हो तो छोटी मजाक नहीं कर सकता? अरे भाई, वो तो मैं अपना टेंशन कम करने के लिए गाना गा रहा था। अप्पू, मैं भी तेरा टेंशन कम करने के लिए मजाक कर रहा था। ओके ओके, एक मिनट एक मिनट। अरे भाई साहब, ये मन्नू है? वो तो बच्चा है। नहीं नहीं, ये मन्नू नहीं, ये उसका बेटा है। ओ अच्छा अच्छा, ये मन्नू नहीं है, उसका बेटा है। ओहो, अब क्या करें, ये मन्नू तो आया ही नहीं। हाँ तो ठीक है ना भाई, हमें मन्नू से थोड़ी काम है, हमें तो उसने वो राम रतन से जो बेटा रामचरण रामचरण अरे वो जो भी है भाई, छोड़ो ना भाई, वो रामचरण रद्दी वाले से जो रद्दी ली है, हमें तो उससे काम है ना, क्योंकि हमारी टिकट तो रद्दी में है। हमारी मतलब तुम्हारी। चलो चलो, जाके वो रद्दी में से मेरी लॉटरी की टिकट ढूंढते हैं। रुको रुको, जोश में होश मत खो बैठो भाई। कुतालापन अच्छा नहीं है, उस लड़के को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग 1 करोड़ के लॉटरी की टिकट ढूंढ रहे हैं। अरे क्या बड़े बच्चा है बेचारा, उसमें क्या उसका बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, और क्या बोल रहा है तू? बेटा लाल, आजकल के बच्चे बच्चों जैसा बिहेव नहीं करते भाई। देखा ना तुमने वो कल्लू के दो बच्चे कैसे बिहेव कर रहे थे। लेकिन उस बच्चे से हम बोलेंगे क्या कि उसके ठेले पे क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? अरे उसे ये कह देंगे कि मेरी ऑफिस का इम्पोर्टेंट पेपर रद्दी में गलती से चला गया है। चलो ये बोल देंगे, लेकिन वो अकेला है, उसके पिताजी साथ में नहीं, वो हाथ लगाने देगा हमको ठेले पे? नहीं बराबर है, मेहता साहब बराबर बोल रहे हैं, उससे जरा प्यार से बात करनी पड़ेगी। जरा मैं करता हूँ कुछ, मैं बात करता हूँ। बेटा अच्छा हूँ। आज पापा नहीं आए? नहीं, पापा कुछ काम से बाहर गए, थोड़ी देर बाद आएंगे। बोलिए क्या दूँ? सिंग चना चना जोर गरम। नहीं नहीं बेटा, हमें सिंग चना चना जोर गरम नहीं चाहिए, हमें जिस कागज में तुम ये सिंग चना देते हो ना, सिर्फ वो कागज चाहिए। क्या? नहीं नहीं बेटा, सिंग चना चाहिए। लेकिन अंकल तो कह रहे हैं सिर्फ कागज चाहिए। नहीं नहीं बेटा, अंकल का दरअसल ये कहना है कि तुम्हारे पास बहुत सारे कागज है ना, तो तुम जिस कागज में सिंह चना भर के दोगे ना, वो कागज अंकल पसंद करेंगे। वैसे बराबर ना अंकल? हाँ 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 बेटा, वो आज एक ज्योतिषी ने मुझे कहा है कि आज सिंह चने जरूर खाना, और सिर्फ लाल पीले कलर के कागज की पुड़ी में खाना। अरे वो इतना सब कुछ बोलने के वो मान गया बेटा है? बेटा देखिए हम लोग कागज। हाँ हाँ देख लीजिए। आगे सबके पास, सबके पास आगे। अरे आज भाई थोड़े पेपर्स भी देखे भाई। देख रहा हूँ। कुमलोवी ने मना किया चना सिंह खाने से, याद है ना? ये लॉटरी का टिकट और हमें कितना भगाएगा, कहाँ कहाँ लेके जाएगा, इसके साथ हमारी भागा दौड़ खत्म ही नहीं हो रही है भाई। जहाँ जहाँ हम जाते हैं लॉटरी का टिकट वहां से कहीं और पहुंच जाता है। सबसे पहले भूल भुलैया चौल, वहां से कल्लू धोबी का घर, धोबी घाट, और फिर वापस कल्लू धोबी के घर, फिर रामचरण रद्दी वाले के, और अब ये लॉटरी का टिकट पहुंच गया है मन्नू सिंह चने वाले के पास, और हम लोग इसकी खोज में यहाँ तक कहाँ पहुंचे, लेकिन लॉटरी का टिकट तो यहाँ भी नहीं है। मन्नू के बेटे ने वो लॉटरी का टिकट पुड़िया बना के उसमें चने डाल के दे दिया है यंग कपल को। अब हम इस यंग कपल को कहाँ ढूंढेंगे? क्या यंग कपल मिलेगा? और अगर मिल भी गया तो क्या हमें टिकट मिलेगा? पता नहीं टिकट का क्या हाल होगा, क्या पोपटलाल करोड़पति बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? इतने सारे सवाल, लेकिन हर सवाल का जवाब आपों के साथ जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा कल ठीक 8:30 बजे। देखते रहिए, हंसते रहिए। मित्रों एक विशेष बात, आज धनतेरस का शुभ दिन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी मेहनत
और ईमानदारी के साथ जीवन यापन करते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा उन सब पर सदैव बनी रहे, उन सबके घरों में सदैव सुख और समृद्धि का वास रहे और धन की अवृत वर्षा होती रहे, यही हमारी शुभकामना है तारक मेहता के सभी दर्शकों के लिए। और यहाँ पोपट लाल करोड़पति बनता है या नहीं, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.